केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां के जल्द स्वस्थ होने की कामना को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने हनुमान मंदिर पर किया सुंदरकांड का पाठ। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां माधवी राजे सिंधिया का इलाज पिछले कई माह से दिल्ली के एम्स में जारी है। इस बीच उपचार के दौरान उनकी बेहद तबीयत बिगड़ने की सूचना भी मिली थी। रात माता माधवी राजे सिंधिया के जल्द स्वास्थ्य लाभ के लिए आज कोलारस के धर्मशाला हनुमान मंदिर पर भाजपाइयों के द्वारा सुंदरकांड का पाठ आयोजन कराया गया। इस आयोजन में कोलारस विधानसभा क्षेत्र के कई भाजपा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता सम्मिलित हुए। सुंदरकांड के पाठ का गायन गायक कलाकार महेश गुप्ता, पूर्व पार्षद नगर परिषद कोलारस गोपाल जोशी, मोनू भार्गव द्वारा किया गया। पाठ का आयोजन बलवीर निबोरिया प्रदेश कार्य समिति द्वारा किया गया था। इस आयोजन कोलारस जनपद अध्यक्ष भरत सिंह चौहान, मंडल अध्यक्ष शिखर धाकड़, भाजपा जिला उपाध्यक्ष विपिन खेमरिया, नगर पंचायत उपाध्यक्ष रोहित बंसल, पूर्व सांसद प्रतिनिधि श्रीराम गौड़, जिला पंचायत सदस्य अवधेश सिंह मथना, कोलारस मंडल महामंत्री राम सडिया, दीपक जैन, चंदू श्रीवास्तव, धनपाल सिंह यादव, बल्ली ठेकेदार मुकेश चौबे, दीपक जैन, जसवंत पाल, दीपक रघुवंशी, गोलू चौबे, हेमंत गोयल, गजराज सिंह, अभिषेक जैन, प्रदीप बैरागी, गुट्टार राव, देवेंद्र गर्ग, ओपी भार्गव, पवन सिवरे, भगवत शर्मा, कैलाश पांडे आदि लोग उपस्थित रहे, जिनके द्वारा हनुमान जी के दरबार में राजमाता विजया राजे सिंधिया के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना की गई। पिछले 3 माह से एम्स में जारी है उपचार। उल्लेखनीय, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा प्रत्याशी घोषित होने के बाद ही अपनी मां और राजमाता माधवी राजे की तबीयत खराब होने की बात लोगों को बताई। राजमाता माधवी राजे सिंधिया को सांस लेने में तकलीफ होने के बाद 15 फरवरी को दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया था। तब से लेकर अब तक उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। उन्हें लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया है। राजमाता माधवी राजे सिंधिया की हालत खराब होने के चलते उनकी बहू महारानी प्रिय दर्शनी राजे सिंधिया और महाआर्यमन सिंधिया को चुनावी कैंपेन को छोड़कर जाना पड़ा था। सिंधिया खुद 5 अप्रैल को दिल्ली रवाना हुए थे। इसके बाद वह 6 मई रात वापस शिवपुरी पहुंचे थे और 7 मई का चुनाव कराने के बाद उसी शाम वापस दिल्ली रवाना हो गए थे।